हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 6 दिसंबर और आज मैं अपने पापा मम्मी को यहाँ पे लेके आया हूँ, इको गार्डन जो कि नया बना हुआ है लखनऊ में, जिसको हम लोग कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन से भी जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। तो ये देखिए, ये है सामने, आपको दिख जाएगा, ये है क्या कहते हैं, ये आपका पार्किंग है यहाँ पे। तो यूँ है, देखिए, माननीय श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरफ कोई पार्किंग नहीं बना है, कोई पार्किंग आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, एक छोटा सा ये कॉरिडोर बना हुआ है मेन गेट से, और फिर यहाँ पे एक देर इज़ अनदर मेन गेट, यहाँ से एंट्रेंस है, और टिकट काउंटर उधर है। तो मेरी वाइफ तन्नु टिकट लेने के लिए गई है। कांशीराम जी, कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन, मानवर कांशीराम प्रवेश द्वार। पापा मम्मी, पापा अभी पापा से जानेंगे थोड़ी देर में कांशीराम जी के बारे में, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से एंट्री है, इस तरफ है आपका टिकट काउंटर। सो लेट्स गो दिस साइड। बहुत अच्छा बना यार, ओह इको हो रहा है, गजब। यहाँ पे आप खड़े होकर बोलो ना तो बड़ा इको हो रहा है। हाँ है ना, ऐसा लग रहा है ना कि आप माइक में बोल रहे हो। ताली बजाओ जरा, देखिए इको हो रहा है, ताली बजाने से भी साउंड इको हो रहा है। मम्मी को बुलाओ ना यहाँ पे, इधर है देखो, है वहाँ, इधर आके तो देखो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, साउंड इको हो रहा है, ताली कस के बजाओ तो पता चलता है। वाह क्या बनाया है ना, ऊपर तो चढ़ा है। हाँ ऊपर जाओ एक बार, सुपर्ब। पूरा ये गोल है, और इफ यू क्लैप यू नो पूरा सराउंड ऐसे साउंड सिस्टम जैसा है, ऐसा लग रहा है कि आप माइक में बोल रहे हो तो वो गूंज रहा है। वेरी नाइस। सो ये है इको गार्डन। यहाँ पे भी बहुत कुछ है, देखो बहुत बड़ा है भाई, अम्बेडकर पार्क से बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा, एक दिन में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो दिस इज एंट्रेंस, और ये एक पार्ट है जहाँ पे आप यू नो कि आप ऊपर सेंटर में खड़े होगे तो ताली बजाओगे तो वो साउंड इको होता है बहुत ज़्यादा। और गाइज, आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज यू नो मैं कब बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था मेरा अम्बेडकर पार्क का, उसके बाद मुझे डेंगू हो गया और मैं काफ़ी टाइम तक यू नो बेड पे था, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी, और कम से कम 15 दिन तो ऐसे निकल गया। उसके बाद जैसे मैं थोड़ा ठीक हुआ, बट वीकनेस इतना था कि 2-3 दिन के बाद, जैसे डेंगू से बाहर आया 2-3 दिन के बाद, मेरा बीपी इतना बढ़ गया अचानक, जैसे कि मुझे बीपी कैसे कुछ है प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा ड्यू टू वीकनेस। और फिर मैं 2 दिन हॉस्पिटल में था, तो ये सब रीज़न की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि पापा मम्मी का जाने का टाइम हो गया, वो लोग अभी छोटे भाई के घर जाएंगे दिल्ली में, तो उनको ज़्यादा घुमा नहीं पाया। तो आज आई एम लिटिल यू नो फीलिंग गुड, तो इसीलिए पापा मम्मी को इको गार्डन आना था, तो मैं यहाँ पे कांशीराम जी इको गार्डन लेके आया हूँ, और बहुत ही सुंदर है ये देखिए।
यहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स और स्टैचूज बने हुए हैं, तो शायद रात में लाइट्स वगैरह जले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पूरा अंदर प्लांटेशन नर्सरी जैसा कुछ है, देखते हैं अगर इधर अलाउड है तो विल गो इनसाइड आल्सो। तो चलिए चलते हैं इस तरफ जहाँ पे ये देखिए मस्त बनाया हुआ है पूरा शेड्स ऐसे, उसके ऊपर भी मनी प्लांट और बहुत सारे प्लांट्स ऊपर लगे हुए हैं जिसके वजह से अच्छा पूरा सुंदर लग रहा है। अंदर देखिए इतना सा अच्छा सा गार्डन बना हुआ है, बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं। हाँ तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इस तरफ। ओह माय गॉड, ये तो देखो पूरा एकदम शार्प है। अभी मम्मी का फ़ोटो ले रहे थे तो उनको लगा, तो बहुत बढ़िया है देखो ऊपर पूरा। लेकिन ये कांटे ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो पाम ट्री जैसा है। अरे बहुत अंदर थे यार, बहुत दूर है और बीच में ये एक पत्ता उच लगा अभी मेरे को यार, ये कांटा चुहा। तो अंदर बहुत ऐसे ही है, पूरा जंगल है आप देख सकते हो पूरा एकदम। ये कांटा जो है ना ये चुभा मुझे अभी, यो बकरे और दोनों तरफ से ऐसे भिड़ा हुआ है इधर, तो कुछ आएगा ना तो बहुत ही शार्प है ये देख रहे हो, चुभ जाएगा हाथ में, बहुत ही शार्प है। तो पूरा एक जंगल जैसा है, सो लेट्स गो आउट। और ओच फिर लगा यार मैं, यहाँ देखो यहाँ पे इतना कम जगह है तो यहाँ पर लगेगा ज़रूर। बचिया बचिया, चलिए अंदर चलते उस तरफ, इधर भी सेम है, बहुत दूर तक है एकदम। हाँ, बहुत दूर तक है। क्या तनु? अपनी मम्मी जी के साथ आए हैं। पापा जी भी है, वो देखिए जा रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज तो। हाँ हम लोग यहाँ रहते हैं फिर भी नहीं घूम पाते क्योंकि पापा साथ में नहीं होते, तो क्या घूमें। ये देखिए मम्मी, और मम्मी कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप भी है और बहुत बढ़िया लग रहा है। इको गार्डन। हाँ आपको गर्मी नहीं लग रही थी धूप में? नहीं गर्मी तो नहीं लग रही है। हाँ हवा भी चल रही ठंडी ठंडी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज हैं वाइल्ड एनिमल्स के, ये सब सारे फाउंटेन है। फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है, वो फाउंटेन है क्या? हाँ फाउंटेन ही लगता है, रात में लाइटिंग बहुत अच्छी होती होगी। ये देखिए जिराफ, ये सारे प्लांट भी सारे आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं। अगर इसमें थोड़ा सा पानी होता ना तो बहुत ही अच्छा होता बत्तख। ये देखिए यहाँ पे हाथी वाथी सब बना है। हाँ यहाँ पे भी फोटो ले लेते हैं। ये देखो सब वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, और बहुत बड़ा है यार ये। इसमें पानी होता ना तो और भी सुंदर लगता, मस्त लगता एकदम,
बट मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सारे डस्ट की वजह से ना काला पड़ गया है। तो ये प्लांट्स सारे आर्टिफिशियल जो हैं, इनको ना एक बड़ा तेज़ फुहारा मारना पड़ेगा पानी का, वो जो आता है ना फायर ब्रिगेड वाला, उससे एकदम बढ़िया पूरा क्लीन हो जाएगा ये सब। ओहो, यहाँ पर क्रोकोडाइल भी है यार, क्रोकोडाइल है, ऊपर कैंगरू है, चीता है, लेपर्ड है, सब है, पूरा वाइल्ड एनिमल है, पूरा जंगल बना रखे हैं यहाँ पर। पूरा कॉरिडोर देखो वहाँ, देखना उस तरफ, गिर मत जाना, ये तो बहुत वाइल्ड एनिमल है, अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर। गिरना नहीं। हिप्पोपोटामस वहाँ पे भी है, हिप्पोपोटामस, और ये मोर है, कछुआ है, जल हाथी है, जल नहीं है बस हाथी है। हाँ पूरा एकदम वाइल्ड एनिमल, सही है, बहुत दूर तक है यार। हाँ बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, तब बनाते चलो। हाथी है, गेंडा है, जलहाथी है, पापा जी भी पीछे रह गए। वो देखिए दूर उल्लू, दो आउल उधर है पीछे। इसमें सारे एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे, कितने भी हैं। बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ रास्ता मिल गया, वाह, अब हम लोग को रास्ता मिल गया। ये देखिए मम्मी जी को रास्ता मिल गया, वरना हम लोग रास्ते से चलते चलते पता ही नहीं चल रहा था रास्ता कहाँ। चलिए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ का जितना भी कॉरिडोर है ना, फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड द एंटायर, आपने देखा होगा ये पूरा वाइल्ड एनिमल्स के स्टैचूज बने हुए हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल, यहाँ पूरा इस तरफ। सो आगे ऐसा कुछ है नहीं, तो अब हम लोग इस तरफ जाएंगे। सो चलते हैं इस तरफ। बहुत बहुत बड़ा नहीं है प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब थक जाएगा लोग घूम घूम के। अच्छा है कि मौसम थोड़ा सा ठंडी वाला है, सर्दी का मौसम है इसीलिए, नहीं तो गर्मी में तो पॉसिबल नहीं है इतना चलना। और ये कांशीराम इको गार्डन है ना, अभी हम लोग पापा से पूछेंगे कांशीराम कौन थे भाई, तो बताएंगे। मम्मी भी थक गई। कांशीराम जी मनोहर कांशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे, एक IAS अफसर थे, और उनको क्या ऐसा दिल में आया, और एक्चुअली महापरिवार गरीब परिवार के थे, और उनको दिल में आया कि हम अब कुछ सामाजिक काम करें। तो क्या किए कि IAS से रिजाइन करके, और उन्होंने आ गए UP में। अच्छा UP में आ करके वो उनको एक किताब मिला बाबा साहब का,
तो किताब को पढ़े, पढ़ने के बाद बहुत मैंने प्रभावित हुए, बहुत ही मैंने ये इच्छुक हो गया कि बाबा साहब इतना काम किया है कि सपना को हम पूरा करें। उसके बाद ऐसे ही घूमते रहते मैंने किताब उताब एक दो ठो मिला, पढ़ते रहे। उसके बाद वो सोचे कि उस चीज़ के विषय में किया जाए, तो 1982 में वो अचानक उनको गांव में एक गए जहाँ एक महिला मिली जो मायावती उसके परिवार से मिले, उस समय ये ला कर रही थी, ला का स्टूडेंट थी और IAS कंप्लीट करना चाहती थी, तो उसके पिताजी से मिले तो पिताजी बोले तो वो भी थी वहाँ पर मायावती, मायावती से पूछे कि तुम क्या करना चाहती हो, तो मायावती बोली कि मैं तो IAS बनना चाहता हूँ। तो कांशीराम जी फिर पूछे कि IAS बनकर तुम क्या करोगी, तो बोले कि मैं देश की सेवा करूँगी। बोले कि मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा काम करो कि तुम्हारे पीछे IAS अफसर दर्जनों भर पीछे आगे पीछे घूमते रहें। वो उनको मैंने बहुत मैंने गाइड किए मायावती जी को और इलेक्शन मैंने खड़ा किए, तो इस तरह से वो इलेक्शन में आई पॉलिटिक्स में लेकर के आए उनको। अच्छा। और आए तो पहला बार तो हार गई, उसके बाद फिर दूसरा बार खड़ा कराए तो जीत गए, जीतने के बाद MLA बन गई। MLA बन गई, फिर उसके बाद CM भी बन गई, CM भी बनी, दो चार बार UP के CM तो रह चुकी। और उसमें मायावती दलितों के लिए बहुत काम किया, दलितों के लिए बहुत काम किया, कानपुर का भी, लखनऊ का भी बहुत काम किया। तो अभी कैसा है कि पापा हम लोग को बता दिए कि मायावती के बारे में और कांशीराम जी के बारे में कि कांशीराम जी कैसे उनको हेल्प किए पॉलिटिक्स में, और जैसा कि मायावती आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही ध्यान दी लखनऊ में, आपने देखा होगा अंबेडकर पार्क भी उन्होंने बनवाया, ये कांशीराम का पार्क भी मायावती के द्वारा ही बनाया गया है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और दलितों के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया उन्होंने। तो ये है पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री इस कांशीराम जी गार्डन के का। सब लोग थक गए हैं, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर हम लोग भी, मैं भी थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो अभी एक छोटा सा लंच ब्रेक हो गया मम्मी का, पापा का, थोड़ा आराम कर लिए, क्योंकि ये जो पार्क है, ये जो इको गार्डन है, बहुत ही बड़ा है, तो मम्मी पापा थोड़ा थक भी जाते हैं क्योंकि एज भी है उनकी। तो तन्नू तो पूरा एकदम पिकनिक मना ली, खाना वाना लेके आई थी बढ़िया एकदम, तो मम्मी और तन्नू पूरा खाना वाना खा लिए और चल पड़े इस तरफ। हाँ, चलते हैं वहाँ पे, आगे कुछ बड़ा सा गुंबद टाइप का कुछ दिख रहा है, तो मेरे वहाँ जा रहे हैं अभी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक तो मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की धूप है, ठंडी हवा चल रही है, तन्नु भी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पापा मम्मी भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, वेरी नाइस। ठंड लग रही है तन्नु, है ना? अच्छा है, थोड़ा धूप भी है, तो ठंड में धूप बहुत अच्छी लगती है। अभी लाइट है पापा, बड़ा जल्दी लाइट वाइट जला दिया, नहीं ये देखो, अभी देखो यहाँ पे भी बीच में एक, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, लोग यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं इस तरफ। अच्छा हाँ, हम लोग ऐसे, वो जो मेन एंट्रेंस है, हाँ एंट्रेंस से हम लोग ऐसे आए हैं और इधर से आए हैं, और बाकी लोग वहाँ से स्ट्रेट इस तरफ आए, तो इसलिए यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। ये देखो इसके बीच बीच में ये जो खजूर का पेड़, पता नहीं क्या है, पाम ट्री, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, छोटा छोटा तार का पेड़ है, पता नहीं क्या है, कौन सा पेड़ है, ये देखिए ऊपर हो सकता है, पता नहीं क्या है बीच में,
ये एक वहाँ से एंट्रेंस है, देखिए वहाँ से तो आप स्ट्रीट वहाँ से आओगे तो शॉर्टकट है यहाँ आने का। तो आई थिंक दिस इज़ अ फाउंटेन मे बी, तो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी पापा फिर से बैठ गए, हम लोग इधर से आए हैं। यहाँ धूप से क्लोजअप सन बात, यहाँ सामने से सूरज की रोशनी आ रही है। तो हम लोग को आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ तो गुंबद बड़ा सा बना हुआ है, तो वहाँ तक जाएंगे। और यहाँ से एंट्रेंस है तो हम लोग इस तरफ से ही आए हैं, और स्ट्रीट जाओगे ना तो यहाँ पे भी देखो बड़ा सा एक एरिया बना हुआ है आगे जाके, सुपर। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे भी एक गेट है, और यहाँ पे भी वही इको वाला गेट है, वहाँ पे बीच में ताली मारने से इको सुनाई देता है वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो सामने बिल्डिंग है, तो इस पर चलेंगे अभी वहाँ पे, और यहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स बना हुआ है। तो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, ये पूरा सर्कल हमने बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है। आप जब यहाँ पे आएँ तो अच्छा खासा टाइम लेके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे क्योंकि दो तरफ गेट है और पूरा ये गोल बना हुआ है ये पार्क, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ से शुरू किया था या कहाँ से, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे जैसे पापा मम्मी भी कंफ्यूज हो गए थे। तो अभी हम चलते हैं घर, और यहीं पे मैं आप ये वीडियो एंड करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, आप एक बार ज़रूर आओ लखनऊ में, कांशीराम इको गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।